Everyone, welcome to my YouTube channel Digital Kashmala, and here is topic lesson 32, and the topic is mental health professionals in legal system. यहाँ पे हम कुछ legal system के बारे में पढ़ेंगे. गला खुश हो गया मेरा, क्योंकि अभी मुझे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी मुझे ये लेक्चर्स कोई, मैं शायद छठा लेक्चर लगातार रिकॉर्ड कर रही हूँ. फोरेंसिक क्लिनिशियंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स एज एक्सपर्ट विटनेस. यहाँ पे कुछ हम ना फोरेंसिक क्लिनिक्स के बारे क्लिनिशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ विटनेस, एज अ कंसल्टेंट के तौर पे डिफरेंट लीगल मैटर्स में, ठीक है. अब लिटिगेंट्स क्या होता है, लिटिगेंट्स होता है कि जो भी आपके किसी भी मुकदमे में जो शख्स शामिल होता है ना, जो कोई लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है लिटिगेंट्स. अब यहाँ पे कुछ थ्री डिफरेंट रूट्स बताए हुए हैं इसके. फर्स्ट इसके वो क्या करते हैं कि वो, उनमें क्या होता है कि वो कोई भी चाइल्ड कस्टडी केस है, कोर्ट में ट्रायल है, तो उसके लिए स्टैंड करते हैं ये जो लिटिगेंट्स होते हैं, या वो एज अ लायर किसी मेंटल या इमोशनल स्टेट रेलिवेंट के रिलेटेड, मतलब उन्हें असेसमेंट की जरूरत होती है, या फिर वो कुछ जो जो भी एक दो पार्टीज होती हैं जिनके दरमियान कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो मिलके एक नुमाइंदे को मुंतखब करती हैं जो कि एज अ न्यूट्रल काम करता है, मतलब कि द पार्टीज में एग्री टू हैव अ लिटिगेंट एवलुएटेड इन द अब्सेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर. अब इसकी जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें ट्रायल कंसल्टेंट, एक्सपर्ट विटनेस, द एवेल्यूएटर, ट्रीटमेंट प्रोवाइडर, द रिसर्चर, एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट, इनको अब वन बाय वन स्टडी करते हैं. व्हाट इज ट्रायल कंसल्टेंट. अब ट्रायल कंसल्टेंट में क्या रोल होता है, मतलब है एक ही बंदा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, लेकिन इन तमाम टर्म्स में जो हमने ऊपर पढ़ी है, इन तमाम जो भी ये रूल्स है इसमें, वो किस तरह डिफरेंटली एक्ट करता है, ठीक है. अब ट्रायल कंसल्टेंट में क्या होता है कि ये लीगल प्रोफेशनल के तौर पर मतलब कि एज अटॉर्नी असिस्ट किया जाता है किसी भी केस की प्रिपरेशन में या ज्यूरी सिलेक्शन में, ठीक है. और ये सिविल और क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब खुद नहीं कर रहे होते क्राइम्स, मतलब उनके केस में, ठीक है, लीगली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद एक्सपर्ट विटनेस, ये किसी किसी क्लाइंट के विटनेस के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें ये मतलब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ब्रॉडर जो रेस्टीज उनको टेस्टिफाई करते हैं, और एज अ विटनेस एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर सर्व किए जाते हैं. द इवेल्यूएटर, इवेल्यूएटर में क्या होता है कि जो दे आर टिपिकली ट्रेन, मतलब इन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी और लाइसेंस जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इन्हें ट्रेन किया जाता है, इन्हें स्पेशल फोरेंसिक स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है, और उसके अंडर रहते हुए मतलब इन्हें डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड, लीगल इश्यूज के रिलेटेड इन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती है, और इन्हें क्रिमिनल डिफेंडेंट्स और पार्टीज के जो होते हैं उनके रिलेटेड इन्हें एवेल्यूएट किया जाता है. ट्रीटमेंट प्रोवाइडर, अब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो होते हैं वो एज अ मतलब के थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, और इनकी सर्विसेज क्या होती है कि इनकी सर्विसेज फोरेंसिक हॉस्पिटल्स में ये काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, या कोई भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, या प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पर भी ये अपनी सर्विसेज देते हैं. मुझे लगता है मैं ज्यादा ही स्लो बोलने लगी. द रिसर्चर में क्या होता है कि दे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट रिसर्च ऑन इश्यूज. यार मैं यहाँ एक बात बताऊँ, जो मेरे पास हैंड फ्री है, जो इस वक्त मैं यूज करती हूँ, उसमें मैं आहिस्ता भी बोलूँ ना, तो जब मैं रिकॉर्ड करने के बाद अपने लेक्चर सुनती हूँ, तो उसमें बहुत लाउडली आवाज़ और बड़ी क्लियर आ रही होती है. अब यहाँ पे ना हर किसी के सिस्टम का, हर किसी की डिवाइस का भी मसला होता है कि आपको आपके डिवाइस से, आपके सिस्टम से आपको कितनी आवाज़ आ रही है. तो अगर आप लोग को आवाज़ नहीं आती, तो आप लोग काइंडली हैंड फ्री लगा लिया करें, हेडफोन यूज़ कर लिया करें, उससे क्लियर आती है. अब आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान होता है कि फ़ौरन नीचे चैट में गए, कमेंट्स ठोक दिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप इतना ऐसा बोल रही हैं. हम अब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, ऊपर से आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं करके जाते, लाइक तक नहीं करके जाते, लेक्चर्स देख के चले जाते हैं, साथ कमेंट भी दे देते हैं. भाई हम भी मेहनत कर रहे होते हैं, और हम कोई फजूल तो नहीं. अब देखिए, मैं अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ इतनी मेहनत से, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं स्लो बोल के अपना सारा लेक्चर खराब कर दूँ, मेहनत भी करूँ. मुझे मेरी डिवाइस से आवाज़ आ रही होती है, मैं इसलिए इस टोन में बोलती हूँ. और जब आपको इतने लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर आप कितना गूंजी बोल सकते हो, ठीक है. एट द एंड कहीं ना कहीं जाके आपकी बैटरी लो हो ही जाती है. तो आप लोग भी काइंडली कुछ कॉम्प्रोमाइज किया करो. एक तो आप लोग को फ्री में लेक्चर मिल रहे होते हैं घर बैठे वन क्लिक पे, तो आप लोग हैंड फ्री यूज कर लिया करें, या कोई भी हेडफोन वगैरह यूज कर लिया करें, ठीक है. हम कहाँ पे थे, द रिसर्चर पे. इसमें क्या होता है कि जब ये रिसर्च भी डिजाइन करते हैं जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में ये रिसर्चेज भी करते हैं, और एकेडमिक में क्या है कि ये ट्रेनिंग भी देते हैं, और मतलब एज अ सुपरवाइज
सुपरवाइजर स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में क्या होते हैं, किसमें पुलिस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी, विक्टिमोलॉजी एंड विक्टिम सर्विसेज, लीगल साइकोलॉजी, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि पुलिस साइकोलॉजी क्या होता है। कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें ये पुलिस के स्टाफ को साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स और सीरियल ऑफेंडर्स के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सीरियल किलर्स के बारे में, और ये उन्हें टीच करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं पुलिस ऑफिसर्स को कि उन्हें किस तरह मेंटली इल इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं उनका किस तरह उनको फेस करना है। साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो फोरेंसिक सेटिंग्स में काम करते हैं, जहाँ पे वो रिसर्च को कंडक्ट करते हैं साइकोपैथोलॉजी की डेवलपमेंट पे, ठीक है। और ये रिसर्च के तौर पर, रिसर्च में एज अ पॉलिसी एडवाइजर कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं। विक्टिमोलॉजी एंड विक्टिम सर्विसेज में क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं इनको इंटरव्यू में विटनेस ऑफ क्राइम के इंटरव्यू में भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज अ विक्टिम सर्विस प्रोवाइडर। दे ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन टू सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म के इम्पैक्ट पर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर भी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। लीगल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी में उन्होंने बात की हुई है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फोरेंसिक सेटिंग्स में काम करते हैं, जिसमें वो चाइल्ड की कस्टडी या चाइल्ड अब्यूज के केसेस को एवेल्युएट करते हैं, और ये डिफेंडेड कॉम्पिटेंसी के तौर पर स्टैंड ट्रायल्स भी लेते हैं। स्पेशलिटी गाइडलाइंस है कुछ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, उसमें क्या होता है कि स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो डिवेलप हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1991 में, और 1991 में ये डेवलप हुई बाय द अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटी की तरफ से, और इनके कुछ गोल्स थे। गोल्स ऑफ स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी आर कि इन्होंने क्या किया कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज, सबसे फर्स्ट पे क्या किया कि फोरेंसिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव किया, इन्हांस द प्रैक्टिस एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी की जो भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट थी और इनकी प्रैक्टिस को इन्हांस किया, इनकरेज हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में क्वालिटी के हाई लेवल को इनकरेज किया, इनकरेज प्रैक्टिशनर्स टू रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ दोस दे सर्व, और जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके राइट को रिस्पेक्ट करने को इनकरेज किया। द स्पेशलिटी गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ देयर प्रोफेशंस, अपने प्रोफेशंस में जो भी इनके मैनर्स होते हैं जिसमें ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको ओबे करना इनकी सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड देन इज रीजनेबल एफर्ट्स अपनी सर्विसेज को इंश्योर करवाने के लिए, और जो भी इनकी सर्विसेज होती हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मैनर्स को इस्तेमाल करते हुए और उनके लिए, मतलब उनको उनके रिलेटेड जो जो भी एफर्ट्स की जाती हैं, ठीक है, वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। एंड द सेकेंड इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज इन एरियाज इन विच दे हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किस किस एरिया में, जिसमें मतलब कि जहाँ ये इन्हें स्किल हो, इनके पास एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन हो, मतलब अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन की बेस पर ये सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने कंपिटेंसी लेवल को देखते हुए। मतलब जिस चीज के बारे में आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, उस एरिया में जाकर तो आप सर्विसेज कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, इसके फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी पर्सनल वैल्यूज को, मॉरल बिलीव्स को, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को। एंड द लास्ट इज फर्दर गाइडलाइंस फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, जिसमें उनके रिलेशनशिप्स हैं कि किस तरह रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं फीस स्ट्रक्चर में, और अपने करंट पर्सनल प्रोफेशनल एक्टिविटीज को प्रयोग करते हैं, और सांस ले रहे थे मुझे थोड़ा सा। अच्छा, एम्प्लॉय एंड देयर क्वालिफिकेशन टू एम्प्लॉय सच मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, फिर कुछ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको ये जो एम्प्लॉय के रहते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। अच्छा, देयर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस एंड लिमिट्स ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी, मतलब इनके कुछ कॉम्पिटेंस एरियाज होते हैं, लिमिट्स होती हैं कॉम्पिटेंस की। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज में कॉन्फिडेंशियलिटी को हम बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं,
कि किस तरह आप कोई भी जो है वो प्रोडक्ट के सर्विसेज देते हुए किस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिटेशंस का ख्याल रखते हैं, और अपना पूरा कंट्रोल होता है आपकी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन पे जो कि आपके पास सेव होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को जब भी आप कोर्ट ऑर्डर के तौर पर रिलीज करते हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल पर रिलीज किया जाता है। मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैव एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन करंट नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक प्रोफेशनल एंड लीगल डेवलपमेंट्स विद इन देयर एरिया ऑफ देयर क्लेम्ड कॉम्पिटेंस। फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये अपने करंट नॉलेज को जो कि साइंटिफिक प्रोफेशनल लीगल डेवलपमेंट और क्लेम्ड कॉम्पिटेंस के एरिया में आ रहा होता है उसको मेंटेन करते हैं, ऑब्वे करते हैं। पब्लिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर सर्विसेज एज वेल एज देयर ओन पब्लिक स्टेटमेंट एंड प्रोफेशनल टेस्टिमनी आर कम्युनिकेटेड इन वेज दैट विल प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड डिसेप्शन। जब भी किसी सर्विसेज के प्रोडक्ट्स की सर्विसेज देते हुए वो इस चीज को इंश्योर करवाते हैं, रीजनेबल एफर्ट्स पुट करते हैं कि जो भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं जिस वे में कर रहे हैं उसमें जो भी वो प्रमोशन हो रही है वो अंडरस्टैंडेबल हो और किसी किस्म की डिसेप्शन का बायस ना बने, ठीक है। अवॉइड डिसेप्शन को अवॉइड करते हुए वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 32 था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट ऑफ मेरी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।